ये हमारे भगवान कृष्ण का चरित्र, ये हो गया द्वापर। उसके बाद आया हमारा कलयुग। अब भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? क्या कुछ कमी रह गई? अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ने की कोई कमी रह गई आपको लगता है? कितने कितने अत्याचार हो गए, कितने दिनों तक हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, मुगलों का, तुर्कों का। जिसने पाया उसने हमारी भारत माता का मैदान किया है यहाँ। अब क्या, अब कोई अवतरण हुआ? कोई अवतरण नहीं, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। इतिहास में अगर आप झांके तो आप देखेंगे कि एक नहीं कई क्रांतिकारी यहाँ पर हुए। एक छोटा सा बच्चा अपने खेतों में बंदूकें बोने की कोशिश कर रहा है। एक बंदूक है, बंदूकें क्या थी? एक बंदूक। तो उसके पिताजी आते हैं खेतों में और कहते हैं, अरे बेटे तू की कर रहा है? तो बेटा बोलता हो, पापा जी मैं बंदूकें बोल रहा हूँ। बोलते क्यों? तो बच्चा कहता है कि मुझे ना इन अंग्रेजों ने मारना है और इन्हें भगा देना है, क्योंकि ये बहुत जालिम है, इन्हें मुझे भगाना है। तो श्री किशन जी थे वो खड़े थे वहां पर, उन्होंने देखा और बच्चे की जब ऐसी बातें सुनी तो वो समझ गए कि बच्चे के अंदर क्रांति के बीज कहीं ना कहीं पनप रहे। जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि जलियांवाला बाग कांड में हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। सब बच्चे, महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होता, क्योंकि उनका त्योहार होता है, चाहे बैसाखी हो चाहे लोहड़ी हो, वो लोग साथ में मनाते हैं। बस उनको एक सभा करनी थी, साथ में सबको त्योहार मनाना था और कुछ नहीं करना था। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक था, इसमें कोई राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी जनरल डायर ने आकर के गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब गोलियां चलने लगी चढ़ाकर तो बेचारे बच्चे भागने लगे। और माओ को अपनी तो चिंता थी नहीं कि चलो ठीक है मर जाए, लेकिन माँ के लिए जब मृत्यु का समय आता है ना तो भी वो अपने बच्चे को देखती। माओ ने सोचा कि हमारे निर्दोष बच्चों को हम कैसे बचाएं? इतनी बड़ी बड़ी सी बाउंड्री थी, सोचने का कोई मौका नहीं मिल पाया। अचानक गोलियां तड़ातड़ा चल रही थी और माँ ने सोचा कैसे भागे। तो वहां पर एक कुआं था, बावड़ी थी, उसमें खो गए। किसी तरह से हमारा बच्चा बच जाए, किसी तरह से हम बच जाए, हमारी जान बच जाए, हमारे बच्चे ही बच जाए, लेकिन कहां बचता? हजारों माए बच्चे और पुरुष कोई नहीं बचा, सब के सब वहीं पर रक्त संहार नर संहार हुआ पड़ा था। और इस घटना को भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा। कैसे बैठता वो बच्चा जिसने इतना अत्याचार देखा था? तो ये जो बच्चा बंदूकें बोल रहा था, ये बड़ा होकर के भगत सिंह थे। एक रैली जा रहे थे और भारत माता के जयकारे लग रहे थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद। बच्चा अगुवाई कर रहा था, मात्र 12 साल का बच्चा, तुम्हारे जैसा बच्चा। बच्चा बड़ी धन्य वो खोप होती है जिन गर्भ से ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। आगे आगे जा रहा है बच्चा, भारत माता की जय चिल्ला रहा है। अंग्रेज आते हैं और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, बड़े भी गिरफ्तार हो जाते हैं। जब कैसी होती है जज के सामने तो पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा बड़े आराम से कहता है आजाद। होता अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम क्या? स्वतंत्र। घर कहाँ है? भारत माता। जज को गुस्सा आता है कि कैसे बोल रहा है इतना छोटा सा बच्चा आजाद। तो कहते हैं जरा आवाज नीचे करो, तो कह रहा है वंदे मातरम। गुस्सा आता है जज को और 100 घोड़े मारने का आदेश देते हैं कि बड़ा गर्मी आ रही है, इसको अभी ठीक हो जाएगा, इसको नंगी फीट करके 100 घोड़े मारे। आप सुनने में इतना नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी सी कल्पना करें, एक बच्चा जिसकी नंगी फीट, जिस माँ ने ये दिन देखा होगा और जब उसके कानों ने ये सुना होगा, उसे कैसा लगा होगा कि बच्चे को नंगी पीट करके उस पर
पंजे का साहस देखिए, एक छड़ी आप कभी अपने मार के देखिए कितनी तेज से लगती है। लेकिन वो बच्चा 100 घोड़े अपनी पीठ पर खा रहा है और भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, वंदे मातरम बोलता है। एक भी मिनट के लिए वो मौन नहीं हो रहा है और उसको साहस मिल रहा है कि भारत माता की जय। और अंदर से वो बच्चा संकल्प ले रहा है कि आइंदा मैं इन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, आजाद हूँ, आजाद हूँ। तो बचपन है आपका, एक और बचपन।